दुनिया के किसी भी बड़े न्यूज़पेपर की वेबसाइट पर चले जाइए अखबार को हाथ में उठा लीजिए टीवी चैनल को टीवी पर देख लीजिए या सोशल मीडिया पर देख लीजिए सभी भारत को दोषी करार दे रहे हैं दिल्ली राइट्स के सिलसिला में भारत की सरकार को दोषी करार दे रहे हैं और इन सबसे बड़ी बात ये है कि सब कह रहे हैं मुसलमानों का जीनोसाइड हो रहा है ये एक इतना बड़ा एक्यूजेशन है और इस एक्यूजेशन को जब हम वेस्ट में बैठे हुए देखते पढ़ते और सुनते हैं तो सोचते हैं कि अंकित शर्मा की बात क्यों नहीं हो रही वो जो पुलिस कांस्टेबल मारा गया था उसकी बात क्यों नहीं हो रही वो जो दर्जनों हिंदू मारे गए और जो सैकड़ों हिंदू बेघर हैं दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट की इन रीसेंट राइट्स में उनकी बात क्यों नहीं हो रही ये क्यों एक तरफ की बात हो रही है कि वर्ल्ड लीडर हो चाहे आ, दुनिया का मीडिया हो चाहे सो कॉल्ड स्कॉलर्स हो वो सब का यही कहना है कि इंडिया में मुसलमानों का कत्ले आम हो रहा है एक दोहाई सी मची हुई है और जैसा कि आपने स्क्रीन पर कुछ शॉर्ट्स देखे आ, जिसमें बड़े बड़े मीडिया आउटलेट्स की हेडलाइंस हैं और ये बातचीत इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया का डिस्कोर्स है जो तस्वीर का दूसरा रुख उस पर कोई बातचीत नहीं कर रहा आखिर क्यों नहीं कर रहा और क्यों वेस्ट का मीडिया और बड़े बड़े मीडिया हाउसेस दोनों तरफ की पिक्चर क्यों नहीं दिखा रहे और मेरा मकसद ये नहीं है कि हम ये कहें कि यह हिंदुओं का मसला हो गया या मुसलमानों का मसला हो गया मेरा मसला ये है कि जर्नलिज्म में जो एक बातचीत होती है बैलेंस रिपोर्टिंग के वक्त वो क्यों नहीं हो रही मैं समझता हूँ कि जब ओपिनियन देते हैं जब मैं ओपिनियन देता हूँ जब कोई भी कमेंटेटर ओपिनियन देता है वो अपनी पोजीशन लेता है उसको लेने का हक होता है मगर जब फैक्ट्स को बयान करने की बात होती है तो वो फैक्ट्स पूरी तरह से क्यों बयान नहीं हो रहे दिल्ली राइट्स के मामला में फैक्ट्स पूरी तरह बयान होने की बात तो दूर की है इस तरह सूरत हाल बताई जा रही है कि जैसे कोई नाजी हिटलर का जमाना हो जैसे कोई जिनोसाइड का जमाना हो और इसको जैसे 84 के जो दिल्ली में सिख जिनोसाइड की बात है उसके साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है मगर ये दिल्ली राइट्स बिल्कुल और हैं क्या इनकी नोइीत है इस पर बातचीत क्यों नहीं हो रही हमने बहुत से स्क्रीन शॉट दिखाए आपको बहुत से स्क्रीन शॉट दोबारा आपको दिखाएंगे मगर मैं एक जो टिपिकल माइंडसेट है वेस्टर्न मीडिया का वो भी मैं आपको झलक सुनवाना चाहता हूं अभी कल ही कनाडा के एक सबसे बड़े टीवी चैनल मीडिया आउटलेट सी टी न्यूज ने मॉन्ट्रियल में कुछ भारतीयों के अकट को किस तरह पोर्ट्रे किया वो सीए के खिलाफ अपना विरोध कर रहे थे इसके साथ साथ वो बात कर रहे थे मुस्लिम जीनोसाइड की कोट अन कोट किस तरह उनको उन्होंने पेश किया मैं वो आपको दिखाना और सुनवाना चाहता हूँ ताकि मैं अपनी बातचीत को आगे लेकर चलूं पहले आप देखिए और सुनिए सिटी टीवी कैसे उसको रिपोर्ट करता है मैं उन्हीं की कटसी के साथ उनका ऑडियो क्लिप एक पिक्चर के साथ आपके साथ शेयर करता हूँ Anti Muslim violence in India has sparked protests worldwide, including right here in Montreal. More than 40 people have died and thousands injured in attacks on Muslim neighborhoods in India's capital. Indian Canadians fear the worst for Muslims in New Delhi. As Muslim homes and businesses burn in the capital city of Delhi, the Indian diaspora in Montreal is calling for Canada to step up. Under Indian Prime Minister Narendra Modi, Hindu nationalism is on the rise. The largely Muslim population of Kashmir was under a communication lockdown for six months this year. New legislation that eases citizenship requirements for religious minorities, excluding Muslims, has sparked protests. Human rights activists gathered outside Park Metro and marched along Jean Talon in Park X, Montreal's most diverse neighborhood. We call them out. is watching. CTV की रिपोर्टिंग की जो लैंग्वेज है वो ये कहती है कि 40 से ज्यादा भारतीय डायस्पोरा से तलक रखने वाले लोग कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में इकट्ठे हुए और जो हिंदू एक्सट्रीमिज्म ऑन राइज है इंडिया में उस पर अपने दीद कंसर्नस का इजहार किया और उसी हिंदू डाइस्पोरा में से कुछ लोग बोलते हैं कि वो क्यों ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी बात भी मैं आपको सुनवाता हूँ देखिए और सुनिए उनका क्लिप International pressure is extremely important. We are getting SOS messages from our friends and family all the time that something must be done. Extremist Hindu goons, along with the police and with the sanction of the state, are going to majority, Muslim majority areas, burning Muslim homes and businesses, and killing people outright. We deeply urge Prime Minister Trudeau, the Canadian government, and the international community, the leaders across the world, to please speak against this and rethink their diplomatic relationship with India. तो ये जो भारतीय डायस्पोरा के लोग हैं जिनको सी बताता है कि कम्युनिटी लीडर्स हैं ये इकट्ठे हुए चालीस से ज़्यादा मॉन्टियाल में और उन्होंने ये शदीद स्ट्रॉन्ग वर्डिंग यूज़ की हिंदू नेशनलिज़म के ख़िलाफ़ भारत की सरकार के ख़िलाफ़ और अपील की प्राइम मिनिस्टर ऑफ़ कनाडा जस्टिन ट्रूडो से कि वो इंटरवीन करें और उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल प्रेशर भारत में बनाया जाए और इस सारे मामले को रोका जाए बहरहाल ये ये ओपिनियन सामने आती है इस पर जब मैंने मॉन्ट्रियल में बसने वाले अपने उन भारतीय दोस्तों को एक दर्जन से ज्यादा दोस्तों को जो खुद लीडर हैं वहां की मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के भारतीय कम्यूनिटी के जब मैंने इन्होंने फोन किया उन्हें कहा कि क्या ये आपकी राय है उन्होंने कहा नहीं 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 हमारी तो राय नहीं है ये कहाँ से आ गए Uh, भारतीय कम्युनिटी uh, के रिप्रेजेंटेटिव मैंने कहा उनको हक की बात करने का कर, वो बात कर रहे हैं मगर आपकी तो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं आप इसको कैसे निगेट कर रहे हैं इसका जो जल्टरनेटिव नेरेटिव है कैसे बता रहे हैं कि वो मुस्लिम्स जीनोसाइट की कोई बात नहीं वो राइट्स हैं दोनों तरफ से हुई मैं इस बहस में भी नहीं पढ़ता किसने शुरू की किसने ख़त्म की या क्या सिलसिला चल रहा है मगर उसमें दोनों तरफ का नुकसान हुआ जो बहुत दुख की बात है जो बहुत अफसोस की बात है मगर ये सारी की सारी स्टोरी इतनी पैरानोए के साथ कैसे पेश की जा रही है उन्होंने कहा ताहिर जी आप फिक्र ना करें ये चंद लोग हैं आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी चाहिए और बिल्कुल हम भी एक देखिएगा बड़ा जुलूस निकालेंगे मैंने कहा मैं दावे से कहता हूँ आप बड़ा जुलूस निकालेंगे ना सी टी टी वी आपके पास आएगा ना सी बी सी आएगा ना कोई मेन स्ट्रीम का टी वी आएगा पहले तो मुझे शक है कि आपको जुलूस भी निकाल सकेंगे कि नहीं अगर निकालेंगे तो ढंग का भी होगा या नहीं होगा उसमें जो काम की बात करने हो वाली होगी वो आप करेंगे भी या नहीं करेंगे आई डाउट और अगर आपने कर भी लिया तो ये अगर 40 लोग इतनी कवरेज ले सकते हैं कनाडा के हर घर में भारत का गलत इंप्रेशन पहुंचा सकते हैं और ये टीवी पूरे कैनेडियन घरों को तमाम कैनेडियन घरों को बता सकता है कि कितना ईवल है आज का भारत तो आप क्या कर लेंगे आपका नैरेटिव कहीं नहीं चलेगा क्या आप बता सकेंगे कि सी ए जो है इसमें मुसलमानों को अगर शामिल नहीं किया गया था तो एक्चुअली उसकी ज़रूरत नहीं थी अगर शामिल कर लेते तो फिर इंडिया पाकिस्तान अफ़गानिस्तान और बंग्लादेश को कह रहा है कि आ ये हमारा हिस्सा बन जाए इंडिया को क्या कहतराज़ होगा बन जाए हिस्सा हो मगर वो तो मुल्क ख़ुद से जुदा हुए हुए हैं ख़ासतौर पर बंग्लादेश और ख़ास तौर पर पाकिस्तान तो वो तो भारत से ख़ुद जुदा हुए हैं अगर उनको भी शामिल करते हैं मुस्लिम उनकी मेजोरिटी को भी तो वो तो फिर भारत कैसा बन गए मगर मैंने कहा आप ये बातें उनको नहीं बता सकते मीडिया को एक तो आप ख़ुद इस तरह नहीं सोचते आप खुद फिर जो लैंग्वेज यूज़ करेंगे एक और दूसरी तरह की लैंग्वेज होगी और फिर यहाँ के मीडिया को ये इम्प्रेशन मिलेगा कि ओ हम ना कहते थे कि यहाँ पर भी कनाडा में भी अमेरिका में भी हिंदू एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स अब यूनाइट हो रहे हैं बीजेपी के आरएसएस के हामी सामने आ रहे हैं तो इनको तो मार्जिनलाइज कर दिया जाए इनको तो किसी किस्म की आवाज़ न दी जाए और असल आवाज़ इन्हीं को दी जाए जो भारतीय डायस्पोरा के हैं जिनके नाम भी हिंदू हैं और जो कह रहे हैं कि मारे गए लुटे गए इस वक्त की भारतीय सरकार जो है वो तो चीनो साइड पर तुली हुई है मुसलमानों की तो ये वो नैरेटिव है जो बन रहा है और हमारा जो डायस्पोरा है वो बिल्कुल उसकी अक्सरियत है उसको मामले की ही समझ नहीं आ रही वो उसको इतना अंडरमाइन कर रहे हैं वो कह रहे हैं नो वरी नो इशू अभी ट्रम्प साहब ने तो दौरा किया था आ, इंडिया का कितना अच्छा रहा ये तो ऐसे ही कुछ लोग इकट्ठे होते हैं हु केयर्स अबाउट डैम तो यही नाइविटी है हमारी अपनी कम्यूनिटी के लोगों की कि उनको बात ही समझ नहीं आ रही कि ये पैगाम कैनेडा के मेन स्ट्रीम टी वी चैनल से निकल कर सामने आ रहा है और तमाम कैनेडियंस को घर घर जाकर बता रहा है कि आज का हिंदू साम्राज्य या आज की भारतीय सरकार कितनी क्रूअल है कितनी ब्रूटल है और हमें अपना ऑल्टरनेट जो नेटिव है वो बताना आता ही नहीं हम जानते तो हैं मगर हमें आता ही नहीं हम अपने फोटो शूट में हम अपने जब 10 20 40 50 लोग इकट्ठे होते हैं तो समझ लेते हैं कि हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया पूरी दुनिया को कन्विंस कर लिया जंगल में मोर नाचा किसने देखा वाली बात है मगर हम इस पे ध्यान ही नहीं दे रहे कि हम उनको बताएं इस मीडिया को बताएँ यहाँ के पॉलिटिशन को, को बताएँ कि ये सूरत हाल नहीं है अंकित शर्मा का जिक्र करें एक आईबी पुलिस ऑफिसर स्पेशल पुलिस ऑफिसर इंटेलिजेंस ब्यूरो का पुलिस ऑफिसर किस तरह बेदर्दी से मारा गया एक कांस्टेबल को किस तरह बेदर्दी से मारा गया कितने हिंदू भी मरे हैं ये सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं है ये राइट्स हैं और ये राइट्स जो हैं जैसा कि मीडिया कह रहा है कि चूंकि सदर ट्रंप भी वहाँ पे मौजूद थे और सदर ट्रंप ने भी नोटिस नहीं लिया तो इसीलिए तो वहाँ पर ये राइट्स हुए मैंने शुरू में कहा कि मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता कि कौन किसने शुरू किए और किसने आगे बढ़ाए चूँकि ये बात भी अब करना बेकार हो चुकी है सबको पता है अब सिर्फ ये कहना है कि ये जो राइट्स हैं अगेंस्ट मुस्लिम्स हरगिज नहीं है ये राइट्स हैं जब फसादात होते हैं तो सैडली ये होता है जो नहीं होना चाहिए था जो नहीं होना चाहिए था मगर वो हुआ मगर होने के बाद अब वो वन साइड पिक्चर बन चुकी है हम कहते हैं कोई हमें फिक्र नहीं हमारा जो डाइस्पोरा रहता है कोई फिक्र नहीं एक बार फिर स्क्रीन पर देखिए वो सारे के सारे आ, जो आ, डिफरेंट न्यूज क्लिप्स हैं जो ट्वीट्स हैं अब ये देखिए ग्लोबल बी क्या कहता है हाउ सीरियस इज अ थ्रेट फिर ये देखिए वैनकूवर जर्नलिस्ट ही वाज थ्रेटन बाय हिंदू नेशनलिस्ट एट यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया इवेंट ये चल रहा है इस वक्त नैरेटिव न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है वाई डेली पुलिस डिड नथिंग टू स्टॉप अटैक्स ऑन तो मुस्लिम्स अब आप गोइंग ऑन गोइंग ऑन देखते रहिए द गार्डियन कह रहा है कि इनसाइड दिल्ली

अब आप गूगल कर लीजिए मैंने तो ऐसे ही दो तीन पेजेस लगाए पूरी की पूरी जो फहिरस्त है गूगल करके ये आ रही है अटैक्स ऑन इंडियन मुस्लिम्स इंडियन मुस्लिम्स मारे गए लूटे गए वायल्ड मुस्लिम्स आर बीइंग मर्डर्ड इन इंडिया द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज टू स्लो टू कंडेम ये इंडिपेंडेंट कह रहा है टू स्लो है ये अब ईरान भी यू टू मैन ईरान भी इसमें शामिल हो गया ईरान कंडेम्स द वे ऑफ ऑर्गेनाइज वायलेंस अगेंस्ट इंडियन मुस्लिम्स व्हाट हैपन टू द ज्यूज इन जर्मनी इन 1930 इज हैपनिंग टू मुस्लिम्स इंडिया टुडे तो ये हो रहा है आज के दुनिया में आपको सैकड़ों सैकड़ों मिल जाएंगे बल्कि हजारों इस वक्त मिल जाएंगे इन्हीं दो तीन दिनों के जो इंटरनेशनल न्यूज लेट्स के इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स के विरोध आपके खिलाफ मगर आप उनको तस्वीर का दूसरा रुख नहीं दिखा रहे भारत की आ, सरकार प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बार बार कहते हैं कि जो भारतीय डायस्पोरा यूरोप अमेरिका कनाडा में बसता है वो हमारा बहुत बड़ा एम्बेसडर है वो यकीनी तौर पर एम्बेसडर है कंसर्न भी है मगर कैसे वो न, इनको काउंटर कर रहा है इतने ह्यूज बड़े बड़े मीडिया आउटलेट्स को वो कोई नहीं कर रहा मैंने एक दो लोगों से यहाँ अपने हिंदू बहन भाइयों से बात की जो बेचारे कंसर्न थे कहते ताहिर जी आपके शो में आएंगे टैग टीवी में आप देखिए हम सारी रियलिटी बता देंगे मैंने कहा भैया मेरे टैग टीवी पे मैं बैठा होता हूँ आप भी आते जाते रहते हैं कितना पूरी दुनिया को हम बताएंगे न्यूयॉर्क टाइम्स टैग टीवी को कितना बताएगा गार्डियन को कितना बताएगा इंडिपेंडेंट यूके uh, वालों को कितना बताएगा बी को कितना बताएगा जजीरा को कितना बताएगा वाशिंगटन uh, पोस्ट को कितना बताएगा सारे थिंक टैंक सैनिटर्स कांग्रेसमैन अमेरिका के यूरोपियन पार्लियामेंटेरियंस के बहुत सारे uh, जो मेंबर्स हैं तो कहां कहां आप अपना नेरेटिव पहुंचाएंगे आप अपने नेरेटिव में फेल हो चुके हैं मान लीजिए मैं दुख से कहता हूं कि बीजेपी बी भी इसमें फेल हो चुकी है यह बताने में कि तस्वीर का दूसरा रुख क्या है सब अपने अपने जैसे वो है ना एको चैंबर में बैठे हुए हैं सब कहते हैं कि हमें पता है हमें इतने वोट मिलते हैं हमारे साथ इतनी सपोर्ट है वी डोंट केयर एक मुझे भारतीय ने कहा उन्होंने कहा ताहर जी आप फिक्र ना करें बिजनेस मैन भी हैं यहाँ पे और बहुत बड़े बड़े लीडर्स ब्राज़ील के लीडर हों यूरोपियन यूनियन हो आ, फिर जापान के हों सब मोदी जी से मिलते हैं कोई फिक्र नहीं ये ऐसे ही है मैंने कहा ये ऐसे ही आपको नज़र आता है अगर आप चीज़ों को इतना ही आसान इतना ही नाई के साथ देखते हैं तो फिर जो एक मुस्लिम एक्सप्रेशन है खुदा ही हमारा हाफिज है ये वाला मेरा एक्सप्रेशन है जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ एम हिंदू बॉर्न एंड मुस्लिम फेथ मैं दोनों की पेन को महसूस कर सकता हूँ कि ये राइट्स जो थी दिल्ली में ये अनफॉर्चुनेट थी और ये एक एक अपॉर्चुनिटी लेना चाह रहे थे फसादी दंगा कराने वाले कि अमरीकी सदर की वहाँ मौजूदगी में ये सब कुछ हो अमरीकी सदर की मौजूदगी में तो ये खबर न बन सकती चूँकि अमरीकी सदर समझते थे, थे इस चाल को वो उस पर नहीं बोले मगर उसके एक दिन बाद पूरी दुनिया का मीडिया बोलना शुरू हो गया दंग दंगा कराने वाले फसादी पूरे के पूरे कामयाब हुए कामयाब जा रहे हैं ना तो बीजेपी इस पर कोई अपना काउंटर नेरेटिव बिल्ड कर रही है जो फैक्ट्स हैं वो ला रहे हैं ना हम उस पर जो डायस्पोरा के लोग पूरी दुनिया में बसते हैं कामयाब हो रहे हैं बस वो ये कह रहे हैं कि कोई मसला नहीं आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप थे मोदी जी से कितनी अच्छी मुलाकातें रहीं ये छोटी छोटी चीज़ें हैं इनकी ही ना करें मगर उनको ये नहीं पता कि खुद डोनाल्ड ट्रंप को ये पूरे का पूरा इंटरनेशनल मीडिया निगेट करता है वो परवाह नहीं करता डोनल्ड ट्रंप चुके प्रेजिडेंट ऑफ तो द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैं इसलिए वो मीडिया के बारे में जितनी चाहें सख्त बातें करें वो कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तो बातें भी नहीं करते उनका ट्विटर अकाउंट भी ऐसा है कि वो बहुत ही डिसेंट सिविलाइज्ड है होना चाहिए ऐसा ही हेड ऑफ द स्टेट का और अब तो ये भी ऐलान उनका आ गया कि शायद वो अपना ट्विटर अकाउंट और सोशल मीडिया के दूसरे अकाउंट भी हो सकता है बंद कर दें मगर डोनाल्ड ट्रंप का तो जो लैंग्वेज का स्टाइल होता है वो कहते हैं फेक न्यूज़ वो तो मतलब शायद वर्ड एक है वो एफ वाला यूज नहीं करते वो तो क्या नहीं करते या तो फिर इतना एग्रेसिव हेड ऑफ द स्टेट हो जिस तरह के डोनाल्ड ट्रंप हैं तभी इस तरह का जो बुलिंग मीडिया है आज का जो एकदम से पार्टी बन जाता है या तो फिर वो अपनी पोजीशन को समझता है ना भी समझे तो वो फिर डिफेंसिव हो जाता है या तो इस तरह का एग्रेसिव हेड ऑफ़ द स्टेट हो जैसा कि मिस्टर ट्रम्प हैं मगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऐसे नहीं हैं वो पक्के शरीफ आदमी हैं मेरे ये लफ्ज़ कहने पर मेरे सारी दुनिया का मीडिया मेरे खिलाफ हो जाएगा इस्लामिस्ट मेरे खिलाफ़ हो जाएंगे बट आई डोंट केयर वो वाकई एक भले मानस आदमी है मोदी साहब एक सिविलाइज्ड उनके ट्विटर अकाउंट्स हैं मगर वो आ, ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल ना करते हैं ना कर सकेंगे और वो तो आप ये भी कह रहे हैं कि शायद मैं सोशल मीडिया से ही गायब हो जाऊँ चलिए वो उनका अपना एक रवैया है मगर बीजेपी की पार्टी बीजेपी की सरकार इंडियन हुकूमत पूरी की पूरी इंडियन इस्टेब्लिशमेंट मशीनरी और डायस्फोरा इस नेरेटिव को इस फॉल्स नेरेटिव को ख़त्म करने के लिए क्या कर रहा है ये मेरा एक बड़ा सवाल है और ये सवाल शायद रहेगा जब तक कोई काउंटर नेरेटिव फैक्ट्स को बयान करने के लिए सामने नहीं आता आज का बिला तकल्फ तजिया ताहिर गोरा के साथ देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया